सुबह सुबह बर्तन धो रही हूँ दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीता जायसवाल ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का वीडियो देखने में, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम शिव चर्चा करा रही हूँ और देख भी रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और फुल वीडियो को देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। छोटा बड़ा कोई भी नहीं। और यहाँ प्रसाद के लिए मैं हलवा बना रही हूँ, सूजी का हलवा, देसी घी डाल के, मेवात वगैरह डाल करके। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मन से, क्योंकि मुझे शिव चर्चा करानी थी, तो मैं इसीलिए बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा से शिव जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और मैं इधर हलवा बना रही हूँ, दीदी और अर्चना तैयारी कर रही है, और देखिए मैं भी यहाँ पे तैयार होकर आ गई पूजा के लिए। तो ये देखिए सब बहुत अच्छे से दीदी ने सजा दिया है पूजा करने के लिए, और मैं यहाँ पे आकर के सभी देवताओं को, मतलब जो शिवलिंग शिव गुरु हैं और वो क्या बोलते हैं हरिंदर भैया और नीलम दीदी, उनका फ़ोटो लगा करके फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, प्रसाद वगैरह सब कुछ से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी लोग आ जाएगा तो हमें पूजा करनी होगी। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से ये शिव चर्चा मनाया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ तैयार कर गया है, फल है और मूँगफली है और लौंग इलायची नारियल का कलश, और अर्चना यहाँ पे फ़ोटो निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती धूप सब कुछ अच्छे से चढ़ा दी हूँ, सिंदूर वगैरह सब कुछ उनको देवी देवताओं को लगा दी हूँ, और यहाँ और भी जो तस्वीरें वो भी लगा दी। और ये मेरी दीदी है पीछे, यहाँ पे पूरा फैमिली बहुत अच्छे से मिलकर मेरा ये शिव चर्चा करवा दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने किया था। तो यहाँ धूप वगैरह सब कुछ मैं दिखा दे रही हूँ, और ये देखिए पूरा तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं शिव चर्चा करने के लिए। तो भजन कीर्तन काफ़ी देर लिए होता है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा गाना बजाना हो रहा है, भजन हो रहा है, और कहानियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर कही जाएगी। सास के भतीजी का ब्याह तो तय हो गया, सास गई नहीं अपने नैहरे ब्याह में, पीछे से पतोह के कह के गई नहीं कि तू हम जाती तो शिव चर्चा कराए दिए। अच्छा तो पतोह गई नहीं, तो पतोह करो नहीं शिव चर्चा उर्चा, जैसे कि कुछ गई नहीं अपन मेरा रू रू बोलो नहीं सबके साथ चला रहे कहानी। तो तू कर पतो या कि अगर अच्छा आज हम गवा के भेज देबा बूढ़ा माई सुनिए करे तो दिया गवली नचरी गवली शिव चर्चा, अरे कहानी ना सु कवली कौन से तो कन वही डरन कवावे के सोचनी कहानी हो कि कवा दी, नहीं तो बुढ़ा ये तैसे ही कहिए ताना मरिए, एक तो कह के गली शिव चर्चा करावे के हमके। अच्छा तो कहनी तो अब क्योंकि अत ना रहो में बैठे पंडित भर के पंडित जी जात हुआ तो देख लेनी पतोरा, तो कहनी पंडित जी तनि हमारे शिव चर्चा भला कहनी केहू के ना तो तनी शिव चर्चा कहनी कह दी। तो कहना कि अब तो पंडित जी के भी कहनी ना आवत रहे हाँ पर, तो कहना पंडित जी का पंडित तो वैसे भी लालची हो ना लालच में 400 रुपये खातिन पंडित जी हाँ गुकारी पा देना कि हम 400 रुपया लेब चाटे कहनी कह हाँ 400 रुपया ले पतो राम कहनी चलिए ठीक तो केहू के ना आता तो 400 रुपया दे के कह देते। अच्छा बोलवरी पंडित जी बैठना, तो पंडित जी कहा ए जजमान 100 रुपये ली आवा तड़ा ठिकानिया कही गई मैं पतोया अंदर तो अदमिया के सैटवा में 400 रुपया रखल है, तो 400 रुपये लिए नहीं 100 रुपया देनी। तो पंडित जी कह अब पंडित जी के कहनी आवत ना रहे मांग तो लेना पैसा वो मांगे के रहता, तो अब कहा करें ऊपर नीचे देखना कुछ ना समझ में आया कि कहनी कहा कही, तो देखा तुम्हें दो चिड़ई रह चिल रहनी साथ में जात रहनी, तो कह अग मैं चिलिया के उड़ा उड़ान देखा ले, अग मैं चिलिया के उड़ा उड़ान देखा ले,
एठे ओबर उन करे खाते हां एठे गए फिर करना ए जजमान सर पे और लिया वा दूठे और एठे और कह दे फिर नाम के कहानी आवत फिर का बनावे कहानी में फिर यहां हमार देखना तो स्कूल रहे दूठे लड़की हाथ जो मतलब हाथ पकड़ के घर जाता मैं फिर करना अगमाई चीनिया के नूरा सरूरान देखारी मरे मलिया के फिर लगना इधर उधर देखा फिर बहुत ज्यादा उनके पसीना सुना छुटे लगा क्या अब ना बताए तो सब सच्चाई जान जाए यहाँ पे हमारे लगे कुछ 400 रुपये हो गई बाहर के भगे तो सब से अच्छा फिर देखना तो रोड रहे ऊपर टेम्पू जात रहे टेम्पू में सामान उतर चढ़ देखना वो फिर कहना अगमाई अब उनके कौनो रास्ता ना लग कि हम चौथा कहनी कहे अब लगना शिव गुरु के मना हे शिव गुरु हमें पे दया करा हमारे इतना इज्जत हो पानी हमें जौन भी हो हमारे पे कुछ दया करा तो वो का कही ना देखना चूहा मार्टी अंगना में खरगत रहे फिर कहना जन पड़ल मैं पूजा जा पाठ करके अपन रोज आ जा जब अपन चार पाँच पूजा पी के रोज आ जा तो लास्ट का सोमवार पड़ल तो मैं सोमवार के में गई पूजा करे तो सोचनी कि हम बेलपत्र हवा हई हो कुछ चढ़ा दी रोजन मांग के चढ़ावत हैं तो आज हम अपने कुछ चढ़ा दे सामान कुछ तो ना लिया हिला कुछ चढ़ा दे तो ना कि मैं अपन नथनी पहनने रहनी हाँ वह नथनिया उठा के शंकर जी के चढ़ा दी शंकर जी के चढ़ने के बाद जब अपन घर आई तो अपने सास से नाक मुँह चोरावत नहीं कि कहाँ छुपाएँ कि हमारे सास देख ना पावा तब ना देख पावा तब उनका सास है ना कर नुकर मारे धर ताकत नहीं कि देख लें का भला तो देखत कहाँ चोरावत है मुँह हमसे तो नाक मुँह चोरा तब उनका ध्यान पड़ गया कि तुम नथनिया कहाँ हब तो कहते कि कहीं धर गुजर हुई कहीं हुई धर गिरल तो कभी ना कहीं कहाँ हाँ बताओ कहाँ कभी नहीं कहीं गिरल लगभग सब बैठो और पढ़त रही हाँ जब पानी भरे गल नहीं उधर कहीं गिर गल तो ना लोड़ पे अपन कुआँ वहाँ पर खूब ढूंढ भनी ना मिलल फिर अपन गई को गोहरा में खोजे खातिन के गोहरा तोड़ तोड़ के देखा थे तो एक ठो गोहरा तोड़ने तो मैं नथनी नहीं करल दूसर गोहरा तोड़ने तो मैं नथनी नहीं टूटल कुल गोहरा धीरे 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 कुल तोड़ ताड़ के कुल देख वही जब जब मैं तोड़ते मैं घुमा नथनी नहीं करता कहते कि करे एक नथनी तो नाकी में रहा इतना सारा नथनी कहाँ से आ गया तू पहला तुझे कहते इतना सारा नथनी कहाँ से आ गया तभी कहते कि अरे माँ हम शिव चर्चा अरे शिव मंदिर जाता नहीं है सावन को सोमवार में आपसे ना बता नहीं आपसे छुपो ले रही है कि सुहा जाती ला मंदिर तो मंदिर गल नहीं है उस कुछ हमको चढ़ावे के ना रहा तो यह नथनी उठा के शंकर जी के चढ़ा देनी है कि सोना कहा चढ़ा दी कुछ तो हमारे तरफ से हो जाइए हमारे पास कुछ ना आता तो शंकर जी के चढ़ा देनी तो वो शंकर जी का महिमा हब कि कुल गोहरन में हमार नथनी निकल गए बेलपत्र ना चढ़नी उठा ना चढ़ौनी
अपने घर का नथुनिया चढ़ा देनी है, तो वो शंकर जी का महिमा हब कि हमके नथुनी मिलल तो बोला हर हर तो दोस्तों शिव चर्चा बहुत ही धूमधाम से बहुत ही अच्छे तरीके से गाना बजाना कहानियों के साथ समाप्त हुआ और यहाँ पे आरती हो रही है, सभी लोग आरती कर रहे हैं, उसके बाद सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वही प्रसाद में हम लोगों ने सबको दिया है और पानी पीने के लिए समोसा नमकीन और हलवा जो बना था वो दिया गया है और ये चना मिर्च जो चढ़ाया गया था वो और ये सूजी है इसमें शिव जी खीर। दोस्तों शिव चर्चा हो चुका है, पूजा वूजा हो चुका है, सभी प्रसाद वगैरह सब दे दिया गया है। ये देखिए मैंने त्रिशूल का लगा है, वैसे सब लोग लगा रखा है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे यहाँ का शिव चर्चा को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो बाय बाय।